दोस्तों नमस्कार, मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक गुलदाउदी रहेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि गुलदाउदी के फूल सर्दियों में लगते हैं। हर घर में जिसको गार्डनिंग का शौक है वो गुलदाउदी के फूलों को जरूर लगाता है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे फूलों से हमारा घर सर्दियों में खिल जाता है। लेकिन अगर हमें सर्दियों में गुलदाउदी के फूल प्राप्त करने हैं तो हमें अभी से उसके लिए तैयारी करनी होगी। सभी के घरों में दोस्तों पुराने गुलदाउदी के एक दो गमले सबने बचा कर रखे होंगे। हम लोग इस सीजन में उसकी अपकटिंग लगाएंगे। हमारे ये देखिए गुलदाउदी के मदर प्लांट हैं, जो मैंने दो तीन गमलों में लगाकर रखे हुए थे। अब मैं सीजन आ गया है तो इसकी कटिंग लगाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। आप देखिए, हम लोग इस पेड़ की कटिंग लेंगे। दोस्तों, कटिंग ज्यादा बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें दो तीन इंच की छोटी ही कटिंग से ही हमारा पौधा तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग ली है, इतना छोटी सी कटिंग है, लेकिन इससे भी पौधा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कुछ कटिंग पहले से लेके रखी है, जैसे ये देखिए, ये कटिंग है। इसमें इस तरीके से कुछ पत्तियां हमें हटा देनी है। ऊपर से बस थोड़ी पत्तियों को आप रख लीजिए, दो चार पत्तियों को, बाकी नीचे कम से कम इतनी बड़ी डंडी लगाने के लिए, मिट्टी में गाड़ने के लिए रखिए। इसके बाद किसी गमले में मिट्टी को तैयार करके हम इन छोटी छोटी डालों को इन मिट्टियों में ऐसे इस प्रकार से धीरे से दबा देते हैं। इस प्रकार से ऐसे हम जितनी भी कटिंग लगाना चाहते हैं हम अपनी कटिंग लगा सकते हैं। फिर इनको मिट्टी थोड़ा दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ताकि पौधों के अंदर हवा ना जा सके। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी, हाथों से ही थोड़ा पानी डाल देते हैं, ताकि ये जड़ जो है, जो हमने अभी अभी तोड़ी है, ये सूखे ना। दोस्तों, हमने इससे पहले भी, अगर आपके पास इस तरह के खाली गमले ना हो तो आप, जैसे ये पौधा लगा हुआ है, इसमें किनारे किनारे खाली जगह है, आप इस खाली जगह का भी इस्तेमाल कटिंग लगाने के लिए कर सकते हैं। मैं ज्यादातर अपने गमलों के किनारे ही कटिंग लगा देती हूँ और वो तैयार हो जाते हैं, फिर मैं उन्हें अलग कर देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी कटिंग लगाई है। देखिए, ये सारे गमलों की कटिंग मैंने एक महीना पहले जुलाई में लगाई थी और ये लगभग सारी कटिंग तैयार हो गई है। मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। ये गमलों के किनारे ही मैंने लगाई थी, बड़े गमलों में, लेकिन अब मैंने इसके कई गमले तैयार कर दिए हैं। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। मैं आपको इसकी जड़ निकाल कर दिखाती हूँ, इसमें जड़ तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी जड़ बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है, इसमें काफी पत्तियां भी आ गई हैं। इस प्रकार ये हमारा एक महीना पुराना ये कटिंग है, जो अब बिल्कुल रेडी हो गया है पौधे में लगाने के लिए, और मैंने जल्दी ही इसको अभी लगाया है। कुछ कटिंग मेरी और तैयार हो रही है दूसरे गमलों में, जिससे मैं जल्दी ही अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। दोस्तों, एक बात और है, अगर आपका पौधा इस तरीके से इतना बड़ा हो जाए, 7-8 इंची का हो जाए, तो आप पिंचिंग का ख्याल रखिए, समय समय पर उसकी पिंचिंग करते रहिए, ताकि पौधा आपका घना हो जाए। पौधा दोस्तों जितना अधिक घना होगा उतने अधिक ब्रांच निकलेंगी, डेवलप होंगी, और उतने ही अधिक सर्दियों में आप में को इसमें फूल मिलेंगे। ये नवंबर में, अक्टूबर लास्ट और नवंबर में इसमें बर्ड्स आ जाएंगी, और नवंबर लास्ट और दिसंबर जनवरी में इसके फूल हमको मिल जाएंगे। तो इसकी तैयारी हमको अभी करनी होगी। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे पुराने प्लांट हैं, जो पुराने मदर प्लांट हैं, ये अब किसी काम के नहीं है। इसमें अच्छी बर्ड्स भी नहीं डेवलप होंगी, और फूल भी अगर आएंगे भी तो बहुत छोटे छोटे आएंगे। जब हमारी इसकी कटिंग तैयार हो जाए, नए पौधे लग जाए, तो हमें इन पौधों को हटा देना होगा और इसमें हम दूसरी नई तैयार कटिंग लगा देंगे। तो हमें अच्छे प्लांट मिलेंगे, और अच्छे प्लांट मिलेंगे तो अच्छे खूबसूरत फूल मिलेंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इसी गुलदाउदी पर था। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।